करवा चौथ पर हर पत्नी जो है अपने पति के लिए उपवास रखती है, और बदलते वक्त के साथ अब तो पति भी उपवास रखते हैं। क्या है ना कि ये जीवन जो है साथ बिताना है तो दोनों का साथ जरूरी है, लेकिन उपवास को लेके कुछ लोगों का हाथ पैर फूल जाते हैं कि भूखा रहना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे नॉट टू थिंक अबाउट इट, और उपवास का दिन मतलब आप बिना खाए पिए, क्योंकि इसमें तो पानी भी नहीं पी सकते, निकल जाए, एनी टिप्स? पति अगर साथ हो तो पूरा दिन आराम से निकल जाता है। तो आपकी वैसे दिन में क्या दिनचर्या होती है? आप 17 साल से रख रही हैं, आप नियरली 18 इयर्स यू बीन कीपिंग ये उपवास, तो जनरली क्या करते हैं कि ध्यान खाने पीने की तरफ ना जाए? मैं जनरली सरगी के बाद तुलसी के 2 पत्ते, ये मेरी सास ने बताया था मुंह में रखने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं भगवान ये हनुमान जी एक बार सीता माता के यहाँ गए थे और सीता माता ने उन्हें खाना खिलाया था, पूरी रसोई उनकी खाली कर दी थी और वो उनके पास कुछ बचा नहीं था देने के लिए, फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई थी, तो अंत में सीता माता ने उनको तुलसी के 2 पत्ते दिए थे मुंह में रखने के लिए, तब जाके उनकी भूख शांत हुई थी। तो दैट सरगी के बाद हम तुलसी के पत्ते जरूर मुंह में रखते हैं। बहुत खूबसूरत विचार है और यकीन मानिए करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा और कैसे दिन बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए इसी के साथ परिणीति की ओर चलते हैं, वहां पर भी करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटे पर्दे पर अगर करवा चौथ की बात करें तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया है ये करवा चौथ का व्रत ही, क्योंकि सीरियल में एक पति होता है, उसकी दो दो पत्नियां होती हैं, तो दुविधा ये होती है कि पति ही पहले किसका करवा चौथ का व्रत तोड़वाएगा। ही परी और नीति के साथ भी आज ये दुविधा होने वाली है कि घर की सभी लेडीज ने करवा चौथ का व्रत रखा है, ही परी और नीति ने भी रखा है राजीव के लिए। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, इनफैक्ट घर में किसी को भी नहीं पता कि परी ने मेरे लिए व्रत रखा हुआ है। अब यहाँ पर फरमान जारी कर दिया गया है कि परी इस करवा चौथ में शामिल नहीं हो सकती है, तो ऐसे में ये कैसे खुलवाएगी वो अपने करवा चौथ का व्रत। ही नीति फिलहाल खुश है क्योंकि राजीव उसके साथ है। हे पत्नियों ने अपने अपने पति की पूजा की, तो वही हे परी अकेले ही चांद की पूजा करने लगी। एक हादसा हुआ है जहाँ पर परी छत से नीचे गिर गई, और उसके बाद वो हुआ जो आपने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखा होगा, कि कैसे राज ने सिमरन का व्रत तोड़ा था, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक नज़र तो जरा देखिए। मैं ये कश्मकश में हूँ कि मैंने व्रत तो रख लिया है, लेकिन अब खुला मतलब खुलेगा कैसे, मतलब कैसे खुलाएगा ये, कैसे मेरा व्रत तोड़ेगा। सो बट आई थिंक बाबा जी ने कुछ ना कुछ तो कर दिया, उन्होंने मुझे गिरा दिया टेरेस से। सो या दिस इज किस्मत कनेक्शन। बट एज ऑलवेज राजीव टू द रेस्क्यू, परी को कुछ नहीं होने देगा राजीव, और तुम्हारा व्रत भी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अब नीति को फिलहाल ये समझ में नहीं आया क्योंकि उसका सारा ध्यान परी गिरी इस पर था। मुझे इवेंचुअली पता चल जाएगा कि इसने फास्ट रखा था, और फिर जब मैं रिकॉल करूंगी तो मुझे याद आएगा कि संजू ने तो पहले पानी उसको पिलाया है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता फिर से। ये बाद में देखा उसने कि अरे राजीव ने उसका व्रत तोड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही हुआ जो माता रानी को मंजूर था, परी का व्रत उसके पति के हाथों से ही टूटा। फिर भले ही कितना ड्रामा हुआ हो उससे अब क्या फर्क पड़ता है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।